सोनभद्र के ओबरा नगर पंचायत पर चल रहे सभासदों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने के तीसरे दिन सभासदों ने टेंडर प्रक्रिया का विरोध करते हुए 14वें वित्त कट्टा गोली सत्यापन कर सभी वार्डों में सामान्य रूप से कार्य सुनिश्चित कर बांटने की बात कही। बताते चले कि ओबरा नगर की पंचायत के सभासदों ने जिलाधिकारी और SDM से मिलकर नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी दी थी और ज्ञापन सौंपा था। सभासदों ने बताया कि 14वें वित्त का आवंटित धन सभी वार्डों में समान कार्यों का सत्यापन किए बगैर कुछ वार्डों में 7% से ज्यादा खर्च किया गया, जिसमें नगर पंचायत के जनता में काफी आक्रोश है। कई सामाजिक संगठनों में भी समस्त वार्डों में कार्य कराने को लेकर आवाज उठाई है। सभासदों ने जिला अधिकारी से अनुरोध किया है कि 14वें वित्त का जारी टेंडर प्रक्रिया जनहित में तत्काल प्रभाव से रोका जाए। समस्त वार्डों का भौगोलिक सत्यापन कर सभासदों की सहमति से आवंटित धनराशि को खर्च किया जाए। सभासदों ने नगर पंचायत कार्यालय पर यह आरोप लगाया है कि सभासदों को कोई भी जानकारी नहीं दी जाती। उपस्थित हस्ताक्षर पुस्तिका पर जो हस्ताक्षर हम लोग करते हैं उसे अन्य जगहों पर कार्यालय द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। ओबारा नगर पंचायत में अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की मनमानी और रवैये के कारण इसके पहले भी धन की बंदर बांट कर बगैर काम करवाए पैसे निकाल लिए गए, जिसके बाद कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा जिलाधिकारी के यहां ज्ञापन सौंपने के बाद उन सभी कार्यों की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसमें 4 करोड़ का लगभग गोलमाल किया गया। इसी तरह से धन का बंदर बांट किया जा रहा है। वहीं अधिशासी अधिकारी अमित कुमार का कहना है कि अब ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया है, सभी वार्डों में समान रूप से कार्य कराया जाएगा। सभासदों को मीटिंग में बुलाया गया था, पर जिस कारण से वो धरने पर बैठे हैं इनकी जानकारी हमें नहीं है। हम उनसे बात करके धरने को समाप्त करवाने का काम करेंगे। अनुज वर्मा, वार्ड नौ, नगर पंचायत। आप लोग धरने बैठे हुए हैं, क्या मामला है? 14वें वित्त को लेकर हम लोग धरने बैठे हुए हैं। 14वें वित्त का जो भी टेंडर निकाला गया, ये सब हम लोग की जानकारी के बिना निकाला गया। हम लोग चाहते हैं इस टेंडर को जो है निरस्त किया जाए और पुनः जो है सभासदों को बैठा कर उनकी अनुमति लेकर उनके संज्ञान में सभी वार्डों में इसका काम निकाला जाए। ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया भी चल रही है, हम लोग तो अपना लेके बैठे हुए हैं धरना, ये कि निरस्त किया जाए। आपकी हम लोग की मांग सिर्फ इतनी है कि जो 14वें वित्त का धन आया हुआ है वो सभी वार्डों में समान रूप से वितरित कर दिया जाए, या अगर उससे कार्य कराया जा रहा है तो सभी वार्डों में समान रूप से कार्य कराया जाए और सभी सभासदों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। हाँ सर, ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं 7 सभासद धरने पे, 14वें वित्त का कार्य को लेकर बांट दिया जाए सभासद हर वार्ड में, उस पर क्या कहना है आपका? 14वें वित्त का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में सभासदों द्वारा आम सहमत से पास हुआ है। जितने प्रस्ताव हुए हैं इस समय, जितने टेंडर आए हैं और इसका अनुमोदन जिलाधिकारी स्तर पे एक कमेटी बनी है, उनकी अध्यक्षता में इसको पास किया गया है। ये सभासद भी जो बैठे हैं वो भी पास? हाँ, इनके अभी वार्ड में जैसे राहुल श्रीवास्तव के अभी वार्ड में एक काम है और एक काम और मतलब है, मतलब 2 वार्डों में जैसे वार्ड नंबर 3 में भी काम है, वहाँ पे सोनी जी हैं जिनके पति महोदय वहाँ बैठे हैं, उनके भी वार्ड में 14वें वित्त से काम है। लेकिन अब जरूरी नहीं है 14वें वित्त से ही हम पूरे अपने नगर को कवर कर सकें। हमारे पास राज्य वित्त का भी फंड है, जहाँ पे शेष काम बचा हुआ है हम उससे भी अपना पूरा उनका कवर कर सकते हैं। तो बैठक में इनकी भी जो भी समस्या है उसका समाधान हमारे पास है, हम राज्य से जो इनकी मांगे हैं राज्य से कवर कर लेंगे। डीएम साहब का कुछ कहना है इसमें है? नहीं, डीएम साहब की तरफ से यहाँ पे कोई निर्देश नहीं आया है, जो भी निर्देश अगर आएगा तो उसका पालन किया जाएगा। एडीएम साहब को ये लोग ज्ञापन दिए थे कल? नहीं, वहाँ से भी कोई निर्देश नहीं आया है, अगर लेटर हमारे पास आता है तो उसका जवाब दिया जाएगा।